नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका डिजिटल किसान यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में लॉन्च होने वाले इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर के बारे में। जी हाँ, HAV यानी हाइब्रिड एग्री व्हीकल्स अगस्त 2020 में अपने इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लॉन्च करने वाली है इंडिया में डीजल और CNG वेरिएंट के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए दो मॉडल्स की। जी हाँ, जो 50 HP श्रेणी में आते हैं। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए ताकि HAV ट्रैक्टर के बारे में पूरी जानकारी आपको पता चले। इस वीडियो में हम ये ट्रैक्टर रोटावेटर MB प्लॉट चलाने के लिए कितना डीजल लेता है, कितना CNG लेता है, इसके बारे में बताने वाले हैं। साथ ही इसके सारे फीचर्स आपको इस वीडियो द्वारा पता चल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में जिस वेरिएंट की हम बात करने वाले हैं वो है 50S1 डीजल हाइब्रिड। जी हाँ, हाइब्रिड तकनीक यानी आपका ट्रैक्टर का जो पूरा वर्किंग है वो इलेक्ट्रिक पे होने वाला है, ये आप याद रखिए। चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम इस ट्रैक्टर के इंजन की। तो इसमें आपको वाटर कूल्ड यानमार का इंजन मिलता है। आपको बता दे कि यानमार के इंजन फेमस है पूरे दुनिया में। इसमें आपको 47.6 हॉर्स पावर की ताकत मिलती है। आपने नोटिस किया होगा कि सारी कंपनियां एग्जैक्ट फिगर नहीं देती है अपने इंजन की, लेकिन इस कंपनी ने एग्जैक्ट फिगर दी हुई है अपने इंजन के पावर की, जो कि काफी अच्छी बात है। 50S1 डीजल हाइब्रिड ट्रैक्टर में आपको मिलता है 2190 CC का इंजन, जो लगभग 141 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रदान करता है 1800 RPM पर। साथ ही 4 सिलेंडर इंजन होने की वजह से आपको ताकत की कमी किसी भी हालत में महसूस नहीं होगी, क्योंकि 4 सिलेंडर होने की वजह से इसका जो बैकअप टॉर्क है वो काफी अच्छा रहेगा। साथ ही हर संभव धूल मिट्टी वाले परिस्थिति में काम करने के लिए इसमें आपको ड्राई टाइप वाला एयर फिल्टर भी मिलता है। मुझे इस ट्रैक्टर में कमी लगी वो है फ्यूल टैंक की। जी हाँ, इस ट्रैक्टर में आपको सिर्फ 40 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, यानी कि अगर आप ज्यादा देर तक काम करना चाहेंगे पूरे दिन भर तो आपको बीच में रुक कर डीजल भरवाना पड़ेगा, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़े और बात करें इसके ड्राइव यानी ट्रांसमिशन की, बाकी ट्रैक्टरों जैसा ये ट्रैक्टर नहीं है। इसमें आपको स्मार्ट ई ड्राइव तकनीक मिलती है। इसमें 12 हॉर्स पावर के 4 मोटर्स लगे हुए हर एक पहिए में, जो एक्टिव टॉर्क और स्लिपेज कंट्रोल के साथ आते हैं। बाकी ट्रैक्टरों की तरह यह ट्रैक्टर बिल्कुल भी स्लिप नहीं करेगा जब एक खेत में काम कर रहा होगा। ये समस्या हमारे किसान भाइयों को आती है जब वो 2 MB प्लॉ चलाते हैं अपने ट्रैक्टर के साथ। साथ ही इस ट्रैक्टर में मिलता है MCS स्टेयरिंग, भारत में उपलब्ध किसी भी ट्रैक्टर में आपको अभी तक नहीं देखने को मिलेगा। MCS यानी मैक्स कवर स्टेयरिंग, इसमें भी आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं HAV ट्रैक्टर के साथ। पहला ऑप्शन है फ्रंट व्हील, यानी कि बाकी ट्रैक्टरों जैसा स्टीयरिंग से आप सिर्फ फ्रंट व्हील घुमा सकते हो। एक दूसरा ऑप्शन है ऑल व्हील, यानी कि चारों पहिए स्टीयरिंग के साथ आप घुमा सकते हो। और उसके बाद है क्रैप स्टीयरिंग। तो किसान भाइयों, काफी अच्छी बात है अगर आपको कम जगह में ट्रैक्टर मोड़ना है, मतलब आपके खेत छोटे हैं, तो आप ऑल व्हील स्टीयरिंग का ऑप्शन भी इस ट्रैक्टर के साथ ले सकते हो। साथ ही इसमें आपको इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक स्टीयरिंग मिलता है, यानी कि आपने देखा होगा जैसे कि कार की चाबी अगर हम बंद करते हैं नए वाले कार की तो स्टीयरिंग लॉक हो जाता है, उसी टाइप में ट्रैक्टर में भी आपको इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक स्टीयरिंग मिलेगा, यानी कि ड्राइवर को बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी स्टीयरिंग घुमाते वक्त, और ट्रैक्टर बहुत कम जगह में भी मुड़ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करें इसके सस्पेंशन की। पहली बार कोई कंपनी ट्रैक्टर में व्हील में सस्पेंशन दे रही है। जी हाँ, इस ट्रैक्टर में आपको चारों ही व्हील्स में सस्पेंशन दिखाई देगा कार्स की तरह, जिसका उपयोग ये होगा कि ड्राइवर को ट्रैक्टर चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, काफी आसानी से ड्राइवर ट्रैक्टर को चला सकता है। अभी आपको ये भी समस्या होगी कि हमारे यहाँ पे तो बहुत ऊंची नीची जगह है, ट्रैक्टर नीचे लग भी सकता है सस्पेंशन की वजह से, तो इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस ट्रैक्टर के साथ आपको हाइट एडजस्टमेंट भी मिल रही है। साथ ही बात करें अगर पावर टेक ऑफ यानी PTO की, तो इसमें आपको इलेक्ट्रिक PTO ड्राइव मिलता है, जो कि 43 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ आता है। यानी देखिए, 48 हॉर्स पावर के इंजन में आपको 43 हॉर्स पावर का PTO मिलता है, काफी अच्छी बात है। साथ ही इसमें आपको 2 PTO स्पीड्स भी मिलते हैं, जो कि 540 और 1000 RPM। साथ ही इसमें सबसे अनोखा फीचर है ePTO सॉकेट। जी हाँ, आप डायरेक्टली इम्प्लीमेंट इस ePTO सॉकेट में लगा कर भी इम्प्लीमेंट को आसानी से चला सकते हो। भाई, ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक का अच्छा होना काफी जरूरी है हर तरह का इम्प्लीमेंट चलाने के लिए, और इस ट्रैक्टर में आपको लगभग 1800 किलोग्राम तक की लिफ्टिंग कैपेसिटी मिलती है। आप इस ट्रैक्टर के साथ स्पूल वॉल भी खरीद सकते हो, जो आपको 2 या 3 भी मिल सकते हैं।
साथ ही हाइड्रोलिक की बात करें तो इसमें सबसे खास बात है स्मार्ट कंट्रोल्स। जी हाँ, इसमें एक डिस्प्ले लगा हुआ है जहां पर आप सिर्फ बटनों को टच करके आपके ट्रैक्टर की डेप्थ, आपके ट्रैक्टर की पोजीशन, सारी चीजें मैनेज कर सकते हो एक स्मार्ट ट्रैक्टर की तरह। यही फीचर आपको मैसिव रिवोल्यूशन 9500 मॉडल में भी देखने को मिलेंगे अपडेटेड वर्जन में। तो किसान भाइयों, ये कुछ बातें थी HEV के डीजल हाइब्रिड मॉडल में। अरे हाँ, आपको बता दे कि बात करें अगर इसके डीजल खपत की, तो भाई डीजल हाइब्रिड 50S1 मॉडल लेता है रोटावेटर पे तकरीबन 3.18 लीटर। तो वही कल्टीवेटर अगर आप इस ट्रैक्टर के साथ चलाते हो तो ये लेगा तकरीबन 4 लीटर डीजल। तो भाई काफी अच्छी बात है कि ट्रैक्टर काफी कम डीजल में ज्यादा काम कर रहा है, यानी लगभग आप कन्वेंशनल ट्रैक्टर से 30% तक फ्यूल बचा सकते हो, जो कि काफी अच्छी बात है। तो किसान भाइयों, क्या आप ये ट्रैक्टर खरीदना चाहोगे? अगर आपको ये ट्रैक्टर खरीदना है तो नीचे कमेंट में अपना नंबर हमें जरूर दीजिए। हम आप ये ट्रैक्टर कब खरीद सकते हो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको कॉल करके बता देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने किसान भाइयों के साथ। धन्यवाद।